मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बेंगलुरु में जाकर रोड शो किया। दावा किया जा रहा है कि बेंगलुरु के इन्वेस्टर समिट से मध्य प्रदेश में लगभग 3200 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, जिससे 7000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। साथ ही डॉक्टर मोहन यादव ने HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का दौरा कर रक्षा संस्थान से भी प्रदेश में यूनिट लगाने का आग्रह किया है। देखिए बेंगलोर के दो दिन के दौरे से मध्य प्रदेश को क्या कुछ हासिल हुआ। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में सवार प्रदेश के मुखिया राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। यहां उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का दौरा भी किया तो MP में निवेश के लिए न्योता दे दिया। इस तरह CM ने बेंगलुरु में IT, ITES, टेक्सटाइल एवं गारमेंट, एरोस्पेस एवं डिफेंस, ऑटोमोबाइल एवं IOM, फार्मास्यूटिकल के क्षेत्रों में काम कर रहे प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। बेंगलोर एक तरह से कई सारे सेक्टर में व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, निवेशकों की दृष्टि से बहुत अच्छी रिच वाला अपने आप में स्थान है। ऐसे में यहाँ से भी एक भाई की तरह मध्य प्रदेश में भी लोग इन्वेस्ट करें और कर्नाटक से भी जुड़े रहे, इस भाव के आधार पर ही हमने अपनी बात कही है। बेंगलुरु में आयोजित इंट्रोडक्टिव सेशन में प्रदेश के लिए कितना निवेश मिला वो देखिए। यहाँ 3200 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर स्वीकृति मिली है। इससे 6900 से ज्यादा के रोजगार अवसर पैदा होंगे। दरअसल प्रदेश को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए CM डॉक्टर मोहन यादव अगले साल 7 और 8 फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कराने जा रहे हैं, जिसको लेकर वो लगातार देश में अलग अलग उद्योगपतियों से मिल रहे हैं। उन्होंने मुंबई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु में इन्वेस्टर से मुलाकात कर चुकी है। उन्हें मध्य प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के अनुकूल बताते हुए MP में उद्योग की अपार संभावनाओं पर जोर दिया है। मुंबई में CM डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है। जिस प्रकार से उद्योग व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से मध्य प्रदेश में अनुकूल माहौल बना है, यही कारण है कि सभी सेक्टर में बड़े पैमाने पर उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि आइए मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है। मुंबई में हुए इंटरेक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए कई मल्टीनेशनल कंपनियां भी आगे आई। रिलायंस ग्रुप 50,000 करोड़ के निवेश करेगा, जिसमें डिफेंस और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल है। वेल्सपन ग्रुप 8,000 करोड़ का निवेश करेगा। मुंबई में निवेशकों से चर्चा करने के बाद CM ने कोयम्बटूर का भी दौरा किया। इस दौरान निवेशकों का अच्छा रिस्पांस भी मिला। कोयम्बटूर से क्या मिला है वो देखिए। करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश मिला है। यहाँ 3 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। मध्य प्रदेश को नए आयाम तक पहुंचाने के लिए लगातार CM डॉक्टर मोहन यादव इन्वेस्टर से मिल रहे हैं और प्रदेश के कई जिलों में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित करा रहे हैं। हमारे पास दूसरे राज्यों से कॉम्पीट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा चाहिए। जब तक हम वो सुविधा नहीं दे पाएंगे तो नहीं होगा। कि अगर हम सीरियसली कोशिश करें तो मध्य प्रदेश देश का महाराष्ट्र और गुजरात को बीट करके भी नंबर वन हो सकता है। CM यादव का ये प्रयास निश्चित रूप से प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। अब तक उज्जैन, जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो चुके हैं। अब 28 अगस्त को ग्वालियर में अगली कॉन्क्लेव की तैयारी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT इंडस्ट्रीज का भी बड़ा हब है और इस समिट में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव से मिलने IT की कई बड़ी कंपनियों के प्रमुख भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बेंगलुरु में मिले इन्वेस्टर प्रपोजल के सकारात्मक परिणाम 28 अगस्त को ग्वालियर में होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में दिखेंगे। बेंगलुरु के पहले डॉक्टर मोहन यादव देश के गारमेंट हब तमिलनाडु के कोयम्बटूर भी पहुंचे थे और वहां के उद्योगपतियों से प्रदेश में निवेश करने की अपील की थी। उम्मीद की जानी चाहिए सरकार के ये प्रयास रंग लाएंगे और प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ेगा।